ओके गाइस, तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक बार आप जब का आपका पासपोर्ट एक कुरियर बॉय आके लेके जाता है, तो उसके बाद आपको कौन कौन सी अपडेट्स आती है, क्या क्या स्टेजेस से आपका पासपोर्ट जाता है, वो सभी आपको मैं आज की वीडियो में कहूँगा। जो लेटेस्ट अभी मेरा पासपोर्ट IRCC से निकल चुका है, सो मुझे पता है कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या मेल्स आपको आती है, वो सब आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले जब भी आपका पासपोर्ट आपके घर से लेके जाते हैं, तो वो एक सी दो स्टेजेस होती है, या तो फिर वो डायरेक्टली दिल्ली या तो बॉम्बे जहाँ पे स्टैम्पिंग हो रहा है वहाँ पे जाता है, या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक्स करवाया होगा, फॉर एग्जांपल आपने अहमदाबाद में करा है तो आपका पासपोर्ट अहमदाबाद जाएगा। थर्ड, आपके जो बायोमेट्रिक्स कराए उधर भी नहीं जाएगा, दूसरे लोकेशन, जैसे कि मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ था अहमदाबाद में, लेकिन मेरा पासपोर्ट गया गुजरात नडियाद से सीधा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद सीधा गया दिल्ली। सो ऐसे थ्री पार्ट्स होते हैं, या तो कोई एक सब बीच में जाएगी VFS को, या तो फिर डायरेक्ट दिल्ली VFS में ही जाएगी, ठीक है। और दिल्ली में भी दो सेक्शंस है, एक दिल्ली VFS है और एक दिल्ली IRCC है, दोनों जगह आपका पासपोर्ट जाएगा। तो जब भी आपका पासपोर्ट कोई भी VFS ऑफिस पहुंच जाएगा पहली बार, जैसे कि चंडीगढ़ या दिल्ली VFS, तो आपको एक मेल आएगी जिसमें आपका ऐसा, जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ट्रैकिंग ID था कैनेडा स्टाफ, उधर लिखा होगा रिक्वेस्ट एडिशनल डिटेल्स, प्लीज़ घबराइए मत, कोई भी एडिशनल डिटेल्स आपको चाहिए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख के ऐसा कहते हैं कि भाई हम क्या फोल्डर में कुछ डालना तो नहीं भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या डालना है वो आप सबको तो पता ही है, PPR आपका VFS कुरियर फॉर्म कंसेंट फॉर्म एंड आपका पासपोर्ट, ठीक है। और जो रिमार्क्स है, प्लीज़ फाइंड ट्रैकिंग ID नंबर AWB नंबर फॉर फर्दर रेफरेंस। अभी ये जो AWB नंबर है ये आपको कब यूज़ होगा, जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके निकलेगा IRCC से, ठीक है, तब ये AWB नंबर आपको यूज़ होगा, आप यूज़ कर सकोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको एक और मेल आएगा, Your application is in transit and has been dispatched to the IRCC office through the Canada Visa Application Center, Chandigarh। अगर आपके आप पासपोर्ट बीच में कोई VFS में गया होगा तो उधर से, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ VFS से दिल्ली VFS जाएगा, या तो फिर अहमदाबाद VFS से दिल्ली VFS जाएगा, तो आपको ये मेल आएगा। फिर दूसरा आपको ये मेल आएगा कि your application has been received at Canada Visa Application Center, New Delhi and is transit to IRCC office, New Delhi। कनाडा की VFS जो है उधर जाएगा, VFS दिल्ली, और उससे आपका पासपोर्ट जाएगा IRCC दिल्ली के पास जाएगा, ठीक है। फिर आपको मतलब चला गया उधर, मतलब मेरा पासपोर्ट गया था, आप जैसे देख सकते हो 4 अगस्त को दिल्ली VFS में, दिल्ली IRCC में गया था, और उसके बाद मुझे आई अपडेट 13 अगस्त को, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज लगे, 9 डेज उधर स्टैम्प होने में। तो उसमें आया था द डिसीजन एनवलप ऑफ योर एप्लीकेशन ट्रैकिंग ID नंबर ये हैज़ बीन डिस्पैच फ्रॉम द IRCC ऑफिस टू द कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन दिल्ली। फिर वापस से सेम प्रोसीड्योर, आपका जो भी दिल्ली IRCC से वापस से दिल्ली VFS आएगा, तो ये आपको ये मेल आएगा जब भी आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा कि यार डिसीजन एनवलप ट्रैकिंग ID हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम IRCC ऑफिस एंड डिस्पैच टू कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन वेयर यू अप्लाइड एट द कुरियर एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो फिर से वापस वो VFS से होके आपके घर पे आ जाएगा, और आपको फिर से एक मेल आएगा कि योर डिसीजन एनवलप ऑफ योर एप्लीकेशन ट्रैकिंग ID नंबर हैज़ बीन कुरियर्ड फ्रॉम कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाया कुरियर पार्टनर। मतलब अभी आपका ब्लू डार्ट में चला गया है, प्लीज़ यूज़ ट्रैकिंग ID। अभी आपको जो ट्रैकिंग ID मैंने पहले बोला था, जो पहला मेल था उसमें जो AWB नंबर था, अभी वो ट्रैकिंग ID आपको यूज़ करनी है, ठीक है। आपको bluedart.com पे जाके वो ट्रैकिंग ID डालनी है। मेरे को कल को ये मेल आया था, कल तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आज सुबह जब डाला तो मुझे पता चला कि अभी मेरा दिल्ली bluedart के हब में उधर से निकल के उधर लिखा है कि पिकअप दिल्ली एंड डिलीवर नडिया, सो डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाएगा। अभी वो आने में सिर्फ हार्डली 2-3 डेज लगते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। सो ये पूरा प्रोसेस है मेरा, और अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी रिलेटेड टू माय टाइमलाइन एंड अनबॉक्सिंग करेंगे हम हमारे पासपोर्ट का, क्या क्या उसमें देखना है वो सब, सो स्टे ट्यून फॉर देट ऑल्सो। इसी के साथ ये वीडियो आज का समाप्त करते हैं, इसमें जो भी मेल्स आपको आता है वो मैंने आपको कह दिया, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड ये अपडेट ऑन माय वेबसाइट, अभी जो वेबसाइट है वो पूरी क्रैश हो गई थी कल, एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मैंने वो वीडियो भी प्राइवेट कर ली, लेकिन अभी क्या है कि वो जो स्टूडेंट बना रहा था उसने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई थी, और ये जो वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऑप्टिमाइज नहीं थे, तो बहुत लैगिनेस फील हो रही थी। तो उसकी वजह से फिर हमारे ही एक फ्रेंड पार्थ दवे, जिनको आप सब जानते हो कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल, तो उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, और वो एक IT प्रोफेशनल है, उनका इधर 3 ईयर्स IT पढ़ लिया उन्होंने, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए,
तो उनके साथ उन्होंने कहा है कि यू नो ही विल मेक अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, उनको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जैसे ही बन जाएगा आई विल अपडेट यू गाइस, और इसमें हम हो सके उतनी जल्दी करेंगे। एंड सॉरी कि कल आप सबको, मतलब मैंने ऐसा, मतलब मुझे भी सच में पता नहीं है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उधर भी कर दीजिए क्योंकि उधर मैं रिसेंट अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।